सीटू सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने आज अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु और शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर वीर पार्क रोड स्थित सीटू कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कॉमरेड किशोर जेवरिया ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जीवन पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन आजादी के परवानों को 23 मार्च 1931 को फिरंगियों ने फांसी दे दी, लेकिन आज सांप्रदायिक संगठन सोशल मीडिया के जरिए इन शहीदों के हवाले से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं। शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अब समय है कि इनकी बातों पर अमल किया जाए, न केवल बंद कमरे में चर्चा करके उन्हें साल भर के लिए भुला दिया जाए। विजय बैरागी ने कहा कि जेल में आखिरी समय में भी भगत सिंह लेनिन की जीवानी पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी ने उनसे कहा कि सरदार जी फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, तैयार हो जाइए, तो उन्होंने बगैर सर उठाए कहा कि रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, हमें जुल्म के खिलाफ इस जज्बे को समझने की जरूरत है। कार्यक्रम को प्रियंका कविश्वर, कृपाल मंडलोई, मुकेश नागदा, कुशाग्र ठाकुर, आलम तोकीर, हर्षित लोकेश यादव, नितेश यादव, साहिल खान और शमशुद्दीन अंसारी ने भी संबोधित किया। वहीं पारसी पार्क स्थित शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की आदमकद प्रतिमा पर इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंत में भगत सिंह तू जिंदा है गीत गुनगुनाया गया।